हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। और ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का रीज़न ही यही है कि स्टूडेंट ये सवाल मेरे से बार बार पूछ रहे थे और उनका ही कहना था कि सर एक वीडियो मिल जाता तो हमें काफ़ी चीज़ों में क्लियर हो जाते हम, तो मतलब कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। दोस्तों स्टूडेंट का कहना है कि सर इस बार का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। काफ़ी जगह से न्यूज़ आ रही कि सर इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। अगर एग्ज़ाम का इस कंफ्यूजन में अगर हम रह जाते तो सर हम तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन की तैयारी करें या ऑफलाइन की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं और हमको तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो FY के स्टूडेंट हो, चाहे वो BCom हो, BMS हो, BF हो, BBI हो या BA हो। SY के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, TY के स्टूडेंट के ज़रूरी है। MCom पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, MA पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। दोस्तों सभी स्टूडेंट इस वक्त कन्फ्यूज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात करूँ या कॉलेज की बात करूँ, मैं सभी स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ कि इस बार का एग्ज़ाम उनका कैसे होने वाला है। ऑनलाइन कॉलेज एग्ज़ाम लेगा या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लेगा या दोनों जन ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने वाले या कोई अलग ले सकता है, दूसरा ऑनलाइन पे जा सकता है, दूसरा ऑफलाइन पे जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या? तो दोस्तों आपको पता होगा कि उदय सावंत सर ने लाइव आके उन्होंने ये कहा था कि इस बार का एग्ज़ाम हमने कुल गुरुओं से बात की है, यूनिवर्सिटी के सभी कुल गुरुओं से यूनिवर्सिटी के, कि इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। दोस्तों कोई भी क्लियर नोटिस अभी तक नहीं आया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, ये बात चल रही है। वे भी इस पैंडेमिक जो सिचुएशन है COVID-19 का, उसको ध्यान में रखते हुए ट्राई कर रहे हैं कि इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो हो रहा था, ऑनलाइन स्टडी भी चालू है, लेकिन एग्ज़ाम जो इस बार कंडक्ट करवाया जाए वो ऑफलाइन करवाया जाए, ये बातें चल रही थी, न्यूज़ में भी आ रही थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता लूँ कि जितना भी ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर बात करूँ तो 90% चांस है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। रीज़न बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस समय COVID-19 का केस काफ़ी कम आ रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन भी काफ़ी सुधरी हुई दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मेन चीज़ अगर कोविड का थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो काफ़ी स्टूडेंट को वैक्सीन लग रहा है। अगर स्टूडेंट को वैक्सीन लग रहा है मतलब कॉलेज चालू हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कॉलेज चालू हो चुका है, कॉलेज चालू हो रहा है तो एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया जा सकता है कॉलेज में? डेफिनेटली एग्ज़ाम भी कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से लिया जा सकता है अगर कॉलेज चालू कर दिया है तो, और कॉलेज चालू हो चुका है ये आप लोगों को भी पता है, काफ़ी कॉलेज चालू है, काफ़ी कॉलेज इस वक्त अभी भी बंद है, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम तभी कंडक्ट हो सकता है जब ये पैंडेमिक सिचुएशन अगर इंक्रीज होता है या कोई और आपदा आती है, तब जाके एक बार फिर से ऑनलाइन में सोचा जा सकता है, लेकिन अब भी काफ़ी है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर मैंने कर दिया कि आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा इस वक्त फोकस करना है, क्योंकि 90% चांस है, 10% ऑनलाइन का चांस है। अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया तो ये क्लियर कोई भी नहीं बता सकता कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बात करते हैं कि सर अगर क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन स्टडी करना है कि ऑफलाइन स्टडी करना है, तो हम स्टडी किस बेस पे करें और कैसे करें? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है या ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम ऑफलाइन की तैयारी करें या ऑनलाइन की तैयारी करें? तो दोस्तों आपको जो तैयारी करना है, सबसे पहली बात MCQs आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में होते ही है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन MCQs ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी होते हैं। आपको पता है कि 10 मार्क्स 20 मार्क्स 50 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में MCQs आते ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो मतलब आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो MCQs है ये सब तैयारी करके रखना है।
बात करते हैं। अगर ऑनलाइन रहा तो आपने तो एमसीक्यूज तैयारी किया हुआ है, आपको वो एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑफलाइन हुआ तब भी आपको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपने एमसीक्यूज तैयार किया और ऑफलाइन में भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो एमसीक्यूज से काम नहीं चलेगा, आपको और भी तैयारी करनी है। तो ऑल आप जो है आप अपने थ्योरी सब्जेक्ट तैयारी करना चालू कर दें, ब्रीफ क्वेश्चन को अवॉइड करें, जो नॉर्मल स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है उसकी तैयारी करें, जो मिडल रेंज के क्वेश्चन है उसकी तैयारी करें, जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको इस वक्त अवॉइड करें। सेकेंड, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो जितने भी सिंपल स्वीट सम है वो आप तैयारी करना चालू कीजिए, मिडल रेंज के जो सम है उसे तैयारी करें, जो काफ़ी डिफिकल्ट सम है वो अवॉइड करें। मैं इसलिए अवॉइड करने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मुंबई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सर टीचर प्रिंसिपल अगर डिसाइड करते हैं ऑफलाइन एग्जाम को लेके, तो वे सभी स्टूडेंट से टफेस्ट सम नहीं पूछ सकते क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है स्टूडेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए, तो मैक्सिमम चांस है कि पेपर ज़्यादा टफेस्ट नहीं बनेगा, स्वीट एंड सिंपल बनेगा क्योंकि दो साल से आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया, ऑफलाइन की भी आदत छूट चुकी है आप लोगों की, समझ सकता हो। तो मैं भी कॉलेज भी ये चीज़ जानता है, यूनिवर्सिटी भी ये चीज़ जानता है, तो वो जो पेपर बनाएगा वो ज़्यादा टफेस्ट नहीं बनाएगा, सिंपल बनाएगा, ये मेरा ओपिनियन और मुझे लगता भी कि उन्हें यही करना चाहिए। स्टूडेंट को टफेस्ट पेपर बना के इस वक्त तो इस साल के लिए तो नहीं देना चाहिए। तो ये था दोस्तों कि एग्ज़ाम हो सकता है ऑफलाइन होने के चांसेस है। दूसरा, आपको जो तैयारी करना है वो एमसीक्यूज भी करना है, प्लस सिंपल एंड स्वीट जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी प्रैक्टिस करना है, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। और भी अगर दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आऊँगा और वीडियो बना के आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।